भगवान शिव के सभी भक्त होते हैं, मानव हो, दानव हो, भूत हो, प्रेत हो, पिशाच हो, जिन हो या कोई जीव जंतु, सभी महाकाल के भक्त होते हैं। और इंसान कभी कभी भगवान को प्रसन्न करने के चक्कर में कोई ऐसी वस्तु भगवान शिव को अर्पित कर देते हैं अज्ञानतावश या भूलवश, जिसके कारण उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, उनके परिवार का नाश हो सकता है। ऐसी वस्तु भूल कर भी भगवान शिव को ना अर्पित करें। उससे पहले यदि हम बात करें भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कौन कौन सी वस्तुएं आप चढ़ा सकते हैं, उसके बारे में यदि हम बात करें तो भगवान शिव को सर्वप्रथम एक लोटा जल आप अर्पित कीजिए, जिससे भगवान शिव प्रसन्न हो जाएंगे। उसके बाद आप बेल पत्र भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं, लेकिन ज्ञात रहे बेल पत्र कटा फटा नहीं होना चाहिए, बेल पत्र बिल्कुल सही सलामत होना चाहिए। उसके अलावा आप भगवान शिव को कोई भी वस्तु अर्पित करें तो उसको पानी से नहीं धोना है, क्योंकि यदि आप पानी से उस वस्तु को धो लेते हो तो वो फिर जल देव को अर्पित हो जाती है, फिर उसे शिव स्वीकार नहीं करते। उससे पहले यदि हम बात करें ना कि यदि किसी को गंभीर से गंभीर बीमारी होना, तो भगवान शिव के ऊपर जो पूजा करते वक्त बेलव पत्र चढ़ाया जाता है, उस बेलव पत्र को भगवान शिव से मांगना है कि हे प्रभु, मुझे ये बेलव पत्र आप औषधि के रूप में दीजिए, जिससे मेरी संपूर्ण बीमारियों का नाश हो जाए। वो बेलव पत्र उठाकर आपको खाना है, उससे आपकी कोई भी गंभीर से गंभीर बीमारी हो दूर हो जाएगी। इससे पहले इस गिलहरी को देखिए, ये गिलहरी नित्य प्रतिदिन यहाँ पर आती है। भगवान शिव का जो भी श्रृंगार होता है, इन पर जो बेलव पत्र चढ़ाए जाते हैं उनको आकर खाती है, जबकि पास में ही बेलव पत्र का पेड़ है। यदि इसको बेलव पत्र ही खाने होते तो ये वहाँ खा सकती थी, लेकिन नहीं, शिव के ऊपर जो वस्तुएँ अर्पित की जाती है, शिव को जो बेलव पत्र चढ़ाया जाता है, उनको ये नित्य प्रतिदिन आकर खाती है। इसे आप शिव की माया कहेंगे या कोई चमत्कार। उससे पहले हम बात करते हैं कि शिव भगवान को, महाकाल को, देवों के देव महादेव को, कालों के काल महाकाल को, ऐसी कौन सी वस्तु है जो अर्पित नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, वो होता है नारियल, जिसे श्रीफल भी कहते हैं। भूल कर भी, गलती से भी भगवान शिव को श्रीफल कभी भी अर्पित ना करें, इससे भगवान शिव रुष्ट जाते हैं, क्योंकि बताया जाता है कि श्रीफल गणेश जी का सिर माना जाता है। इस वजह से यदि आप श्रीफल भगवान शिव को अर्पित करोगे तो भगवान शिव आपसे रुष्ट हो जाएंगे और हो सकता है कि आपका परिवार का समूल नाश हो जाए। इससे अच्छा आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि कभी भी भूल कर भी भगवान शिव को नारियल श्रीफल अर्पित ना करें। हर हर महादेव। यदि महाकाल के भक्त हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।